सुबह के 9 बजने ही वाले हैं और रोज की आपाधापी शुरू। बौखलाहट वाली नहीं, बल्कि उत्साह से भरी काम पे जाने की दौड़। ये कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं, ये मालूम नहीं। कुछ तो है जो इन्हें यहाँ खींच लाता है, शायद घर से दूर एक घर। मिलिए कौशल के मिसालों से। ये हैं डॉक्टर स्मिता। व्यस्त रहती हैं, पर सबके लिए समय है, जिम्मेदारी कुछ ऐसी है। ये हैं क्वालिटी अश्योरेंस ऑफिसर अंजलि। जितना अच्छा घर चलाती हैं, उतना अच्छा अपना काम। ये है मिस पेक। अच्छा नाम मिस पेक्रूनो। डांटती हैं पर प्यार से, सिक्योरिटी ऑफिसर जो हैं। आयशा विश्वकर्मा हमारी अगली कमाल की मिसाल। जो वो काम करती है उनके समाज में बहुतों को नसीब नहीं होता। आकाश जी, ये कह सुन नहीं पाते तो क्या हुआ, रोज सुन सबके लेते हैं। सर एचआर सर हैं और वो भी 14 साल से। किसी की सुबह दौड़ भाग वाली होती है, किसी के लिए पूरा कोरबा इंतजार कर रहा होता है। कोई दौड़ता हुआ ऑफिस आता है, किसी की अपनी स्कूटी है, तो कोई पैदल ही दफ्तर का रास्ता नाप लेता है। ये रोज बालको बनाते हैं, भारत का बेहतरीन एल्युमिनियम बनाने वाला बालको, जिंदगी सवारने वाला बालको। ये है डॉक्टर स्मिता, सीनियर डेप्यूटी चीफ मेडिकल ऑफिसर बालको से, और रोजाना कोरबा से आए अनगिनत लोगों के इलाज करती है। भारत की प्रगतिशील राज्य झारखंड से है और रॉयल कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट लंदन की भी सदस्य है, पर बालको से जुड़ी हुई हैं। बालको ने मुझे एक अहम जिम्मेदारी दी है, लोगों के स्वास्थ्य की। फिर चाहे वह कोविड की लड़ाई हो या रोजमर्रा की स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं की, मैं और मेरी टीम कभी पीछे नहीं हटती। आखिर बालको की पहचान भी यही तो है। बालको अपनी वर्ल्ड क्लास एल्युमिनियम के लिए जाना जाता है। अंजलि का काम उसी एल्युमिनियम की क्वालिटी को वर्ल्ड क्लास बनाने का है। एल्युमिनियम के बनने से उसके बन के निर्यात होने तक हर चीज पे इनकी पैनी नजर है। बालको की प्रतिष्ठा का सवाल जो है। मुझे गर्व है कि बालको में मैं एक लीडरशिप रोल पे हूँ। बीइंग अ लेडी ऑफिसर, इस मुकाम तक पहुँचना मुझे बहुत गर्वान्वित करता है। यहाँ का मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज जो सपोर्ट और रिस्पेक्ट मुझे देते हैं, वही मुझे हौसला देता है कि मैं एक सुंदर घर और मजबूत बालकों का निर्माण कर सकूं। पेक्रूनो बालकों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी संभालती है। वो भारत की एक सुदृढ़ और बेहद खूबसूरत राज्य नागालैंड से आती हैं। बालकों में सभी सुरक्षित रहे, इसीलिए वो सिक्योरिटी कंट्रोल रूम संभालती है। चाहे वो बालकों के कर्मचारी हो या यहाँ आने वाले हजारों ट्रक ड्राइवर्स, इन्हें सब जानते हैं। बालको मेरा दूसरा फैमिली है। यहाँ मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं घर से दूर हूँ। आई एम अ वेरी प्राउड इंडियन कंट्रीब्यूटिंग टू बालको एंड इंडियाज ग्रोथ। आई हैव अ बैकग्राउंड इन फॉरेंसिक्स एंड एनालिसिस व्हिच सूट्स माय नेचर ऑफ वर्क एट बालको सिक्योरिटी। बालको हैज आइडेंटिफाइड माय पोटेंशियल एंड एवरी डे हियर इज अ न्यू लर्निंग। जहाँ किन्नर समाज आज भी रोजगार के अवसरों से वंचित हैं, वहाँ आयशा भवानी रूपा कनिष्का की बात ही कुछ और है। जी हाँ, ये काम करती हैं और वो भी बालको में। और काम कोई छोटा मोटा नहीं, फोर्कलिफ्ट चलाती हैं। मजाल है कोई आयशा विश्वकर्मा के काम में नुक्स निकाल दे, विश्वकर्मा के हाथ जो हैं। मुझे यकीन नहीं हुआ कि बालको में भी मेरी जगह थी। मुझे स्कूटी भी चलाना नहीं आता था, पर बालको ने मुझे फोर्कलिफ्ट चलाना सिखा दिया। जो सम्मान मुझे और मेरे काम को यहाँ सबसे ज्यादा मिलता है। यहाँ मैं अपने काम से जानी जाती हूँ, पहचान से नहीं। आकाश जी की मुस्कुराहट की बात ही कुछ और है। उन्हें कहने की कुछ जरूरत नहीं, स्नातक है और अपना काम बखूबी से निभाते हैं। ना बोल सुन पाना उनकी कभी कमजोरी नहीं बनी। आखिर बालको जो इनके पीछे खड़ा है। Thank you.
चाहे डॉक्टर स्मिता हो या अंजलि, सिक्योरिटी ऑफिसर पेक्रूनो या फोर्कलिफ्ट पे सवार आयशा या मेहनत कश आकाश, ये बालकों के वो बेमिसाल मिसाल हैं जो बालकों के सक्षम हाथ हैं और उसी हुनर के गुलदस्ते में समान हक से सजे हुए हैं। बालको इज माई ड्रीम कम ट्रू। बालको मेक्स मी फील प्राउड। आई एम हैप्पी। आई फाइंड माई लाइफ पर्पस हियर। बालको मुझे आत्मविश्वास देता है। जहाँ हजार कारण हैं मैं बालको हूँ कहने के लिए, शायद यही वो जगह है जहाँ मैं भी एक नई उड़ान भर सकती हूँ। ये मेरी भी जगह है।